कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के दोस्तों ये जो वीडियो है, ये खास करके मुझे तीन चार लोगों ने एक ही वीडियो के लिए कमेंट किया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज ये वीडियो को आप देखो, आप थंबनेल देखा होगा और आपने टाइटल देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर में मैं क्या बताने वाला हूँ। जी बिल्कुल सही, मैं इस वीडियो के अंदर में चैनल बैनर यानी कि चैनल आर्ट जो यहाँ पे जो डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, ये मेरा जो चैनल बैनर है। अब क्यों मैं ये चैनल बैनर के लिए मैं क्यों मुझे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया एक उन लोगों का भी एक अच्छा खासा एक चैनल है और उन लोगों के चैनल के ऊपर में बहुत बड़े बड़े वीडियो आती है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोगों का चैनल है, इतना ही नहीं बहुत सारे लोगों का चैनल ऐसा है जिनके चैनल बैनर के ऊपर में जो भी कुछ लिखते हैं वो सही से डिस्प्ले नहीं हो पाता है, आधा फॉन्ट इधर कट जाता है, आधा यहाँ कट जाता है। अगर उसको लैपटॉप के स्क्रीन में अगर आप ओपन करते हो तो वो पूरा दिखता है, अदरवाइज अगर आप उसे मोबाइल के स्क्रीन पे देखते हो तो फिर वो कट जाता है। बहुत सारे चैनल है, 1 मिलियंस करके सब्सक्राइबर है, एक माय ग्रोथ चैनल है, माय ग्रोथ राइट, ये मेरे सर है, जो मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उनको वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उनके चैनल पे भी आप जाओगे, जैसे अभी आप देख ही लीजिए, यहाँ पे इनके चैनल को भी देखो आप, यहाँ पे इनके आधे फॉन्ट जो है वो कट गया है। तो आज इस वीडियो में जो भी आपको मैं बताऊंगा यानी कि कैसे आपको करना है कि आपके जो बैनर है वो एक मोबाइल के डिस्प्ले पे भी देखो तो सेम लगे, मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पे भी सेम दिखे, और एक अगर आप एलईडी पे भी उसे ओपन करते हो वहाँ भी सेम दिखे। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक परफेक्ट साइज जो हर जगह में वो कन्वर्ट हो जाए, एक जैसे दिखे ऐसा बैनर मैं आपको बनाने वाला हूँ। अब आप सोचोगे यार साइज तो मैं आपको बता दूँ कि 2660x1440 राइट, ओके। अगर ये 2660x1440 का आप साइज जान भी गए ना, फिर भी आप नहीं बना सकते हो, अगर बनाते होंगे तो इधर उधर कट जाता होगा। लेकिन आज इस भाई के वीडियो में ऐसे आपको बना के दिखाऊंगा कि बिल्कुल जैसे कि मेरा यहाँ पे बैनर देख रहे हो, इस तरह से आपके भी बैनर एकदम प्रोफेशनल लेवल में दिखेगा, और जो भी कुछ लोग लिखोगे अपने बैनर के ऊपर में वो एक डिस्प्ले होगा, 1% भी कहीं से भी कुछ नहीं कटेगा। तो आज इस वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको बिल्कुल अपने मोबाइल की स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो हाँ, लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक यूट्यूबर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही यूट्यूब के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो जो है मैं बिल्कुल जेन्युइन अपलोड करते रहता हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक करो। फाइनली मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस बैनर को आप देखें, यहाँ पे बहुत सारे यूनिक चीज़ आपको देखने को लग रहा है। सबसे पहली बात कि ये बैनर कहीं से भी फॉन्ट छुपा हुआ नहीं है, मतलब जो भी कुछ यहाँ पे लिखा गया है इस बैनर के ऊपर में ये सब आपको डिस्प्ले हो रहा है, आपको दिख रहा है। दूसरी बात, ये जो फॉन्ट है इतनी क्वालिटी में क्यों दिख रहा है भाई? तो इतनी क्वालिटी में इसलिए दिख रहा है ताकि पिक्स आर्ट के अंदर में एक ऐसा सेटिंग है जो आप किसी भी फॉन्ट को आप HD में उसको सेव कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में ये भी आप जान जाओगे, आने वाली थंबनेल में वीडियो का थंबनेल जब आप बनाओगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ मेरा हर एक वीडियो का जो थंबनेल का जो फॉन्ट है इतना दिख के आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि मैं HD में कैसे सेव करते हैं उस फॉन्ट को, ये वाली ट्रिक मैं अपने हर थंबनेल में अप्लाई करता हूँ, मुझे भी पहले पता नहीं था। तो ठीक है, आज इस वीडियो में वो भी आप जान जाओगे। लेकिन दूसरा एक और कि ये जो बैनर है आप इसको मोबाइल की स्क्रीन के किसी भी मोबाइल की स्क्रीन पे देखोगे तो भी आपको ऐसे ही दिखेगा, लैपटॉप पे देखोगे तो भी ऐसे दिखेगा, LED पे देखोगे तो भी ऐसा दिखेगा, और इसे आप कंप्यूटर पे दिखोगे तो भी ऐसा दिखेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो साइज है ऐसा साइज का बैनर साइज है जो हर जगह में आपको ऐसे ही दिखेगा, कहीं भी कटा हुआ नहीं दिखेगा, हर जगह में आपको ऐसे ही दिखेगा। तो ये कौन सी बैनर की साइज है, कितनी इसकी साइज है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पहला स्टेप होता है इस बैनर की इस फोटो से, इस फोटो की एक ऐसे साइज है, एक इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि ये जो थंबनेल इस फोटो के ऊपर में आप जो भी लिखोगे तो आपको सेम इसी तरह से डिस्प्ले होगा। और दूसरा, आपको आज के बाद हमेशा वो वाली ट्रिक अप्लाई करना है। कौन सी वाली? कि हर एक फॉन्ट को ऊपर में HD में सेव करना है, चाहे वो थंबनेल हो या जो भी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस बैनर को बनाने के लिए जितने भी फोटोज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ यानी जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सब कुछ आपको लास्ट के वीडियो में बता दूंगा, लास्ट में कि आपको उसे डाउनलोडिंग कहाँ से करना है और इस बैनर की साइज़ की फ़ोटो साइज़ जो है वो क्या है वो भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐड फोटो पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद पहला स्टेप है ये यहाँ पे फ़ोटो लेना है और इस फोटो को आपको यहाँ पे ला के सेव कर देना है। फिलहाल ये जो भी कुछ डिजाइन है ये सब मैं अपना बैनर के हिसाब से बता रहा हूँ, आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, आप मेरे से भी अच्छा बैनर बना सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ
वो अपने बैनर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये फोटो आ गया है, उसके बाद नीचे को सेटिंग को अप्लाई करना है, यहाँ पे ब्लेंड पे क्लिक करना है और इसे मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है, उसके बाद एडजस्ट पे क्लिक करना है और इसके सैचुरेशन पे क्लिक करके -100 ले लेना है और उसके बाद जो है इसे सेव कर देना है। ये इसे अभी कुछ नहीं करना है, इसे आपको सेव कर देना है। दो बार क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, यहाँ पे मैं ऐड ए फोटो पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे बैनर में मेरा फोटो है, आपको फोटो की जगह पे आप चाहो तो अपना बैनर, अपना चैनल का लोगो भी, सॉरी अब चैनल का लोगो भी आप लगा सकते हो। तो मैं अपना यहाँ पे फोटो यूज़ किया हूँ तो मैं यहाँ पे फोटो ले रहा हूँ। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि मैं इसमें पूरा प्रॉपर यहाँ पे कट टू कट में सेट नहीं करूँ, क्योंकि मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप जब बनाना तो एक घंटे आधे घंटे लगा के बनाना, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल आपके थंबनेल मतलब आपके बैनर जो है प्रोफेशनल दिखनी चाहिए, ये आपके चैनल की बात है। तो मैं यहाँ पे ये 10-15 मिनट के वीडियो में बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी में थोड़ा सा लाइन टू लाइन कट टू कट ना हो, लेकिन आप जो है आराम से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपना फोटो सेट कर दिया है, उसके बाद जो है मेरा चैनल का नाम लिखना है, तो आप अपने हिसाब से अपने चैनल का नाम लिख लेना है। मेरा चैनल का नाम यहाँ पे टेक्निकल चैलेंज, और यहाँ पे एक बार ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आप दो बार आपको क्लिक नहीं करना है, एक बार ही क्लिक करना है, ठीक है। दो बार क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम में आपको दो बार क्लिक करके उसे सेव करना था, ठीक है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में आपको सेलेक्ट करना अपना फॉन्ट, जैसे कि मैं ये फॉन्ट सेलेक्ट किया और ये फॉन्ट मेरा फेवरेट है, मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा जब मैं इसको फॉन्ट को HD में जब सेव करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि HD में आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये मेरा फॉन्ट है, यहाँ पे मेरा अपने चैनल का नाम है, यहाँ पे मैं ले लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके चैनल किस कैटेगरी में आता है उसका आप कुछ यहाँ पे हाईलाइट करना है, जैसे मेरा टेक का चैनल है तो मैं टेक का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो रहती है तो मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग भी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, ठीक है, एंड मोर, ओके। आप अपने चैनल के हिसाब से आप यहाँ पे लिखें ताकि आपके चैनल दूसरे को पता चले। फॉन्ट इसको भी जो भी मर्जी आए सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन मैं फॉन्ट ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे हिडन मतलब यहाँ पे लिखें आपको नीचे में हेडिंग के बाद, यानी कि अपने चैनल के बाद नीचे लिखें ताकि लोगों को पता चलेगा कि आपके चैनल पे कौन से टाइप की वीडियो आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऐड ए फोटो, यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब का PNG फोटो लेता हूँ, और ये जो फोटो है आपको गूगल से डाउनलोडिंग कर सकते हो क्योंकि ये गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे बैनर में ये यहाँ पे है तो मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद से जो है नेक्स्ट एक और फोटो है, वो ऐड ए फोटो पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट फोटो है ये, और ये फोटो मैं यहाँ कोने में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये फ़ोटो मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा था, जो आप फ्री में ले सकते हो, डाउनलोडिंग कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से करना है। अब यहाँ पे फाइनली हो गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, मेरा कोने पे लिखा हुआ है रेस 100K, तो मैं यहाँ पे रेस 100K लिखा है। भाई ये रेस है मतलब 1,00,000 सब्सक्राइबर की, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि भाई का भी 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाए कम्प्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं रेस को यहाँ पर मैं ला लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस सारे फॉन्ट को कलर चेंज करूँगा और इसे HD में कन्वर्ट करूँगा, वो जानना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और वो आप जान जाते हो तो किसी तरह की कोई भी थंबनेल बनाओगे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो काम आने वाला है, ठीक है। तो ये इतने सारे फॉन्ट यहाँ पे हो गए। उसके बाद एक और ऐड इमेज है, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद और भी दो इमेज है, लेकिन वो उसकी लास्ट में उसकी काम आता है, मतलब लास्ट में मैं उसको बताऊँगा, क्योंकि वो बैनर बनने के बाद ही उसको लगाना होता है, ठीक है, नहीं तो सारे बैनर को ख़राब कर देगा, ओके। तो ये यहाँ पे फिलहाल हो गया। अब जो है मैं इसे कलर में चेंज करता हूँ अपने फॉन्ट को, तो मेरे चैनल का जो नाम है वो कलर है रेड, तो मैं यहाँ पे रेड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेड, आपको ये सब तो आई थिंक मालूम होगा, मैं बोल के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सब कुछ फीचर नीचे जो यूज़ कर रहा हूँ आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। ये यहाँ पर रेड कर लिया, ठीक है। नीचे में जो ये मेरा है यहाँ पर येलो है, तो मैं कलर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं येलो ले लेता हूँ, तो यहाँ पर येलो ले लिया हूँ। उसके बाद ये रेस है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कलर पे क्लिक करता हूँ और उसे भी मैं येलो कर लेता हूँ। अब जो है आप ध्यान से देखिए, अब मैं अपने फ़ोन को HD में कैसे सेव करता हूँ वो अब आपको देखना है, ठीक है। चैलेंज के ऊपर मैंने क्लिक किया, नीचे का फ्यूचर मैं यूज़ कर रहा हूँ, शेडो पे आपको क्लिक करना है और लास्ट में जाना है ब्लर पे आपको क्लिक करना है। ब्लर पे आपको इसे लेना है आपको 70, ठीक है, आपको मतलब 60 से ज़्यादा लेना है, 70 यहाँ पे मैंने लिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसका ओपेसिटी जो है ये इसको लेना है
60 से ज़्यादा ना रखें, नहीं तो वो देखने में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब 62 हो रहा है यहाँ पे, मैं रहने देता हूँ, आप 60 रखें, ओके। उसके बाद येलो का जो है उससे भी मैं सीधे नीचे में शैडो पे क्लिक करता हूँ, इसको ब्लर को जो है वो मैं 70 रखता हूँ, ठीक है, और इसका ओपेसिटी को जो है मैं वो 60 रखता हूँ, ओके। उसके बाद सेम नेस इसको जो है रेस पे मैं क्लिक किया, रेस 100K, सेम नीचे का फीचर शैडो में क्लिक करता हूँ और इससे ब्लर जो है मैं 70 लेता हूँ, ठीक है 70, और ओपेसिटी को मैं यहाँ पे भी 60 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप 60 ले लेना, ओके। तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है। अब उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का लोगो देखकर इंस्टाग्राम का नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, एक बार वेरीफाई कर लेना है ये सब कुछ सेट है, बराबर है, किसी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, कोई गलती तो कुछ नहीं, आपने स्पेलिंग तो नहीं लिख दिया, ये सब कुछ आपको देख लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट वन सेकंड, दो फोटोज़ को और यहाँ पे लगाना है। तो ऐड फोटो पे आपको क्लिक करें, उसके बाद जो यहाँ पे सनलाइट का दो फोटो है इसके दो बार इसे ऊपर क्लिक करना है, ये दो बार ये फोटो यहाँ पे आएगा। उसके बाद इस फोटो को ज़बरदस्त यूज़ है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नीचे का फीचर यूज़ करना है आपको, यहाँ पे ब्लेंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में ओपेसिटी पे क्लिक करना है और इसे 50 ले लेना है, ठीक है 50 ले लेना है, 51 हो रहा है लेकिन आपको 50 लेना है, और इसे साइड में आपको थोड़ा सा यहाँ पे खींच के यहाँ पे साइड में आपको करना है ताकि वो देखने के लिए बढ़िया लगेगा। सेम इसे भी आपको ब्लेंड पे क्लिक करना है और इसको स्क्रीन कर लेना है, और सेम लास्ट में ओपेसिटी पे क्लिक करना है और इसे भी आपको 50 ले लेना है, ठीक है वो 51 हो गया और ये 53 हो रहा है, 50 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिर इसे भी इस कोने पे ऐसा लेना है, ठीक है। ये थोड़ा देखने के लिए अच्छा लग रहा है, अदरवाइज अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो इसको हटा भी लेना है। उसके बाद ये फाइनली आपको ऊपर में क्लिक करके इसे सेव कर लेना। अब एक गलती नहीं करना, नहीं तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाएगा, आपको इस तरह से बिल्कुल दिखेगा नहीं, ये सब कुछ कट हो जाएगा, उल्टा उल्टा दिखेगा, तो वो गलती कौन सी है वो नहीं करना है। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ पे मैं गया, उसके बाद यहाँ पे एक कलर ले लिया येलो, और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्या नहीं करना है। अभी आप देखिए, ये यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे जो डार्क है ब्लैक, ये सब कुछ इसके अंदर में यूज़ करना है। इधर इधर आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी यहाँ पे लिखोगे, कोई भी फोटो, कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी यहाँ पे लगाओगे वो सब कुछ कट हो जाएगा। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे क्या, LED पे क्या, लैपटॉप, कंप्यूटर, कहीं पे भी ये इस तरह से नहीं दिखेगा, सब कुछ कट हो जाएगा। तो आपको जो है इसके ये जो ब्लैक है आपने यूज़ किया है ये इसके लाइन के अंडर लेना है, लाइन के बाहर बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद राइट साइड टॉप पे क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। नीचे लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे और ये गैलरी में आपको सेव हो जाएगा। अब ये जो भी, आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको सचमुच अच्छा लगा होगा। अब जो है मैं जो भी कुछ इस वीडियो के यानी कि इसके अंदर में जो भी मटेरियल मतलब फोटोज मैंने यूज किया वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोडिंग कर सकते हो। और फिर भी किसी तरह की दिक्कत अगर आता है आपके बैनर में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द किसी और नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।